दिल्ली हाट में कुछ दिन पूर्व एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में गहनों और सजावटी सामानों के अलावा दरी और चादर भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र थे, इसलिए कि ये सभी वस्तुएं दैनिक उपयोग के अलावा अपने आप में कलाकृतियां भी थी। देश विदेश से बहुत अच्छे देशी कारीगर हमारे यहाँ आए हुए हैं और लोगों ने भी इसमें बड़ी रुचि ली है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है दुकानदारों में भी और जनरल पब्लिक में भी, और सस्ते दामों पे सही चीज़ उनको उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। इस प्रदर्शनी में जहां मोती और मेटल के गहने थे, वहीं दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र था राजेंद्र प्रसाद का कटिंग वर्क। इस काम को चंदन की लकड़ी और हाथी दांत के ऊपर किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को उनके इस हुनर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। राजेंद्र की कलाकृतियों की खास बात यह है कि इसमें कोई जोड़ नहीं होता। पहले बाहर का ये डिजाइन कर लेते हैं, एक सॉलिड पीस लेके उसको साफ करके फिर बाहर का डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद इसको जो खाली जगह बचती है उसको काटना शुरू करते हैं। उसको काट के फिर जो है खाली हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर औजार को टेढ़ा यूँ टेढ़ा करके फिर पत्तियों के नीचे से खाली करना शुरू करते हैं। जब पत्तियों के नीचे से खाली हो जाएगी और सिर्फ यहाँ टिका रह जाएगी बेल नीचे बेस पे, और बीच में जो है सॉलिड एक जगह बच जाएगी, उस सॉलिड पीस को फिर हम डिफरेंट शेप देते हैं औजार इन सुराखों के अंदर से औजार डालना। इस तरह की प्रदर्शनी में जहाँ कलाकारों को दर्शकों और खरीदारों का स्नेह मिलता है, वहीं कला को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन भी।